Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. So, welcome to the very first class of 12th CS, 12th Computer Science, for the year 2023-24. So, आप लोग अभी अभी 12th में आए हैं, दैट इज 2023 में, और 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा. सो सीबीएसई ने सिलेबस हमारा इशू कर दिया है, एज वेल एज हमें एक सैम्पल पेपर भी दे दिया गया है. ऑल दो डिस्कशंस आर गोइंग ऑन एंड यू माइट हैव सीन ऑन यूट्यूब एंड द अदर प्लेसेस कि डिस्कशन चल रही है कि 12th के जो एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दिए जाएंगे शायद. तो वो देखते हैं कि क्या होता है उसका, बट सिलेबस तो वही रहेगा. सो वी विल बी प्रिपेयरिंग द होल सिलेबस ओवर हियर इन दिस कोर्स. हेलो चाहत, आई एम गुड, तुसी दसो की हाल चाल. नी वदिया. हाय राजकुमार, हेलो जिया, हाय प्रवीण, हेलो तान्या. सो आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, सो आई केप्ट इट एज अ फ्री ट्रायल क्लास, सो एनीबडी कैन जॉइन. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनको बुला सकते हो आज की क्लास में, ठीक है. इसके बाद से जो हमारी क्लासेस जब हम रेगुलर शुरू करेंगे, देन वी वोंट बी हैविंग फ्री सेशंस. सुसी भी वदिया, चलो दैट इज गुड टू नो. हेलो स्वराज, लैपटॉप से ज्वाइन करने के लिए देखो बेटा आपको ये साइट ओपन करनी है. आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है. लॉगिन करने के लिए वो आपसे ओआरजी कोड पूछेगा जिसमें आप ये एंटर करोगे एंड यू विल एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है. पर आज की क्लास आप लैपटॉप से नहीं देख पाओगे क्योंकि ट्रायल क्लास लैपटॉप पे नहीं चलती है लाइव, बाद में रिकॉर्डेड दिख जाएगी आपको वहां पे. पर ये ट्रायल क्लास है, आपको ये फोन से ही करनी पड़ेगी. बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आप वेब से कर सकते हो और वेब के करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है. गुड इवनिंग स्वराज, फाइन. सो आज हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे. पहले तो आप कुछ कुछ जानोगे अबाउट मी, अबाउट द कोर्स, क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं पूरा साल. सो वॉट इज माई प्लान, ठीक है. एंड यस, जैसे कि अभी ये हैंड रेज हुआ है, तो दिस ऑप्शन इज देयर इन ऐप, प्रवीण ने किया है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो. लाइक इफ आई पिक अप प्रवीण्स हैंड रेज, सो ही कैन टॉक टू मी नाउ. तो सिर्फ चैट करके ही आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते, आप बोल भी सकते हो. हेलो प्रवीण, डिस्कनेक्ट हो गया उसका, बट हैंड रेज ऑप्शन इज देयर, जहां से आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन टॉक टू मी एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, फाइन. अब विल जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स इफ एनीवन एल्स जॉइन्स इन, अदरवाइज आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू कि हम किस किस तरह से करने वाले हैं, क्या हमारा शेड्यूल होने वाला है. रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम अगर हम 4 बजे क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे तो विल वी बी एबल टू सी द रिकॉर्डिंग. Yes, you will be able to see the recording. So, जो भी क्लास हम करेंगे, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, ठीक है. अब देखो बात ऐसी है कि जो आपका पूरा सिलेबस है 12th का, अब काफी बच्चों को ये कंसर्न होता है कि मैम 11th वाला अच्छे से नहीं आता तो 12th वाला कैसे करेंगे. सो अगर आपको 11th वाला अच्छे से नहीं भी आता है तो मैं उसका जो भी 11th वाला पार्ट है वो हम सारा यहाँ पे रिवाइज करेंगे. अब आप स्कूल में भी पीछे ना रह जाओ, सो हमारी हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी जिसमें से 2 क्लासेस में हम अपना 12th वाला एक्चुअल सिलेबस करेंगे और 1 क्लास में हम जो 11th में करा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून. सो वी विल बी डूइंग इट दैट वे. सो ऐसे करते करते भी जो हमारा पूरा सिलेबस है ना, वो 4 से 5 महीने में बड़े ही आराम से खत्म हो जाता है, ठीक है. तो अब जैसे आप लगा लो कि हम एक तरह से प्रॉपरली मई में शुरू कर रहे हैं, अब अप्रैल में तो सिर्फ वी आर हैविंग दिस ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है. सो अभी हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, हाँ ये 12th क्लास के लिए. हेलो वैभवी, सो हम इसकी प्रॉपर क्लासेस फ्राइडे से शुरू करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे, दैट इज ऑल्सो इन अप्रैल, बट आप मे का फर्स्ट वीक लगा लो. सो ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, वी विल हैव मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 4 to 5 PM, ठीक है, 4 से 5. कभी अगर कोई चेंज होगा टाइम का तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, इन केस लाइक आई एम नॉट अवेलेबल फॉर सम रीजन. So I'll tell you or I'll give you some recorded content to watch on that day. Otherwise, the sessions will be live. ठीक है? या अगर बीच में किसी दिन नहीं हो पाई तो हम उस क्लास को वीकेंड पे रख लेंगे. बट हफ्ते में 3 क्लासेस होंगे आपको.
आईटी के लिए अभी है नहीं, बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इफ देर आर स्टूडेंट्स. अगर आपके पास तान्या सीएस है कि आईटी है? अभी आईपी और सीएस शुरू किया है. वेरी सून वी विल स्टार्ट फॉर आईटी एंड वी विल रिलीज फॉर आईसीएसई कंप्यूटर साइंस ऑल्सो. आईटी के आपके कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु कैन जॉइन? सो हाउ मेनी? आईपी का तो स्वराज वेंसडे को क्लास है ना, वन इज देयर. सो मे बी नेक्स्ट मंथ बाय एंड ऑफ मे वी विल स्टार्ट तान्या. ठीक है. सो अभी क्या है हमारे पास, अभी हम जो ये वाला कोर्स है इसकी आज ओरिएंटेशन क्लास है. वेंसडे को 4 बजे आईपी की ओरिएंटेशन क्लास होगी. उसके बाद से हाँ उसके बाद से वील हैव रेगुलर. मंडे ऑल्टरनेट सीएस रहेगा, ट्यूजडे ऑल्टरनेट आईपी रहेगा. सो मंडे 4 से 5, मंडे वेंसडे फ्राइडे इज कंप्यूटर साइंस, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे विल बी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो इन दिस. है राहुल? ठीक है. सो ये हमारा शेड्यूल रहेगा. तो आप इस कोर्स को, मैं आपको कोर्स एक बार दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके, कि जो बच्चे, वैसे तो आई थिंक जिसने बाय किया हुआ है मोस्टली वही वाले हैं यहाँ पे, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ द कोर्स. सो ये आपको कोर्स दिखाई देगा ऐप के ऊपर. ठीक है. AL कोडर्स कूपन ऐप यूज कर सकते हो, जिससे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा. ऑन एंड ऑफ किसी त्योहार वगैरह पे 50-60% ऑफर भी आता रहता है, बट अभी फिलहाल वी हैव, जैसे कल तक अगर आप लेते, आप में से काफी बच्चों ने लिया होगा 60% ऑफ पे. सो कल तक 60% ऑफ था, बट आज नहीं है. सो इट इज 25% ऑफ नाउ. सो आप अगर ये प्राइस लेते हैं, जस्ट इमेजिन, जस्ट 1100 रुपीज में आपको पूरे साल पढ़ने के लिए मिलेगा, पूरे साल. सो 18 मंथ्स इज द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स. 18 मंथ्स इसलिए रखा है क्योंकि आपको उसके बाद CUET भी देना पड़ेगा. तो आप अपना यहाँ पर पूरा 12th का पढ़ो आराम से, उसके बाद CUET के लिए भी आपका सेम ही सिलेबस होता है, तो आप तब भी पूरी रिविजन इसी कोर्स से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ठीक है. सो जस्ट फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट यू एक्सेस इट फॉर द होल ईयर. नाउ इन केस यू थिंक कि नहीं मैम इतना अभी नहीं देना है, और भी क्लासेस हैं और कोचिंग के भी पैसे देने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आई हैव गिवन दिस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन. तो आपका कोर्स सिंस 4 महीने तो लेता ही लेता है. ठीक है. सो आपके पास 4 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, तो आप इसमें से इंस्टॉलमेंट प्लान चूज कर सकते हो. जस्ट हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 375, अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ. सो 375 रुपीज पर मंथ यू हैव टू पे फॉर 4 मंथ्स, लेकिन आप एक्सेस पूरे साल, मतलब 18 महीने इस कोर्स को कर पाओगे. ठीक है. तो पहले हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम उस कोर्स की रिविजन करेंगे, साथ साथ हम PYQs भी करते जाएंगे. इसमें आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाएगी, आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा. सो इट्स नॉट ओनली कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल एवरीथिंग, जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सब कुछ आप इस कोर्स में करने वाले हो. आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ये लाइव क्लासेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. आज तो अभी हमारी पहली लाइव क्लास हो रही है, पर अगर आप यहाँ कंटेंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सारा कंटेंट मिलेगा. सो दिस इज द CBSE सिलेबस, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ. एंड देन वी हैव दिस पाइथन रिविजन टूर के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. सो इफ यू ओपन दिस, ये आप अपनी ऐप में डाउनलोड भी कर पाओगे, ताकि आप इसको कभी भी रीड कर सको, इवन अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं भी हो तो भी. सो ये मैंने बिल्कुल अपने हाथों से लिख के बनाए हैं आप लोगों के लिए. सो दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स वेर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. सो ये आपके नोट्स जो हैं पाइथन फंडामेंटल्स के सारे हैं. दिस इज रिविजन टूर नोट्स. तो जितना आपने 11th में पढ़ा था, वो सारे नोट्स आपको पाइथन रिविजन टूर में मिल जाएंगे. ऐसे ही ये आपके 12th के एक्चुअल टॉपिक्स हैं, वर्किंग विद फंक्शंस, डेटा फाइल हैंडलिंग, स्टैक, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS एंड SQL. सो नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको इन फोल्डर्स में मिलेंगे कंटेंट के अंदर. ठीक है. इसके अलावा आपको कोर्स में गेस्ट पेपर मिलेंगे, जो मैंने स्पेसिफिकली बनाए होते हैं, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे. सो आई मेक फॉर माई ओन स्टूडेंट, सो यू विल बी गेटिंग गेस्ट पेपर्स ओवर हियर. CBSE के जितने भी सैम्पल पेपर्स अभी तक रिलीज हुए हैं, उसमें से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं, वो पेपर्स अलॉन्ग विद द वीडियो ऑफ देयर सॉल्यूशन यू विल गेट इन दिस फोल्डर. CBSE प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं आपके रेलेवेंट के, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इस वाले फोल्डर में. एंड इधर उधर से जो भी सैम्पल पेपर्स हमें मिलते हैं, किसी भी स्कूल का प्री बोर्ड है, किसी
केवी ने जैसे लॉन्च करता है केवी अपना एक सैम्पल पेपर्स का सेट, या कहीं से भी किधर से भी जो सैम्पल पेपर्स मिलते हैं उसकी एक ह्यूज कलेक्शन आपको इस फोल्डर में मिलेगी। तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से, आपको नोट्स भी यहाँ मिल रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल रहे हैं, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। ऐप के ऊपर एक कोर्स है जिसका नाम है सिर्फ क्वेश्चन बैंक, दैट इज फॉर 449 आई गेस। सो आई डोंट थिंक कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ना भी तो है, डाउट्स भी तो पूछने होते हैं। तो अगर प्रॉपर पढ़ना है तो यही वाला लो, बट यू कैन गेट दैट क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। बट अगर आप ये ले रहे हो तो आपको क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक में जो भी कुछ है वो इसके अंदर होगा। सो दिस विल इंक्लूड एवरीथिंग विच इज देयर इन द क्वेश्चन बैंक कोर्स। तो वो कोर्स ऑटोमेटिकली उसका जो कंटेंट है दैट विल बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू डोंट हैव टू बाय दैट अलग से। ठीक है, तो ये तो हमारा कोर्स के बारे में कहानी हो गई। ठीक है जी, 18 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी। अभी तक जो मैंने बताया कोर्स के बारे में, इसमें कोई सवाल है? CS sir is forcing to make the file in which we have to do coding ourselves. हाँ, कोडिंग तो खुद ही करनी पड़ती है, अभी से फाइल बनाने को बोल रहे थे अन्य। इन वन मंथ ना बन जाएगी, बन जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। वन मंथ है आपके पास, अभी तो स्कूल शुरू ही हुए ना। हाँ, वी विल बी डूइंग इट आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम्स करेंगे, आई विल टेल यू। और हाथ से लिखने हैं प्रोग्राम्स की प्रिंट आउट निकालना है। सो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अब फिर अभी जो मैंने बताया इसमें कुछ पूछना है आपको कोर्स के बारे में कि मैम क्लासेस कैसे होंगी, और जो भी लाइव क्लासेस होंगी सारी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप उसको 1.5x, 2x, even 2.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है, प्रिंटआउट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से हो जाएंगे। वो तो यूट्यूब पे भी मैंने प्रोग्राम्स अपलोड किए हुए हैं जो CBSE की गाइडलाइन में दिए होते हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। अदरवाइज अभी हम करेंगे कोर्स में तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस इज सेम जो लास्ट ईयर था, सो देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, बट स्टिल आई विल शो यू। एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है बस हमारे पास, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके। सो ये देखो, दिस इज योर सिलेबस गिवन बाय CBSE। तो ये आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आप cbse.nic.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ कोर्स में तो मैंने दे ही रखा है। ठीक है, सो ये आपके पास हमेशा पहले 11th का सिलेबस आता है। तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं एंड वी विल स्क्रॉल इट अप एंड वी विल सी दैट योर 12th क्लास सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, सो ये आपके पास मिल गया। और एक बेनिफिट, जब क्लास 11 की लाइव क्लासेस होंगी ना तो उसमें भी आपको मैं एक्सेस दे दूंगी। जो क्लास 12 CS के बच्चे हैं, जब क्लास 11 की लाइव क्लास होगी आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें अटेंड करना चाहते हो, अगर आपको वो टॉपिक करना है 11th वाला डिटेल में तो आप उस क्लास को अटेंड कर पाओगे, आपको मैं एक्सेस दे दूंगी। अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, बट यू विल बी हैविंग द एक्सेस टू दैट। सो नाउ दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास 12। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 है जो कि 40 मार्क्स का है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो कि 10 मार्क्स का है, डेटाबेस मैनेजमेंट है जो कि 20 मार्क्स का है। तो 40 जो है वो पाइथन है, तो 70 में से 40 नंबर आपका पाइथन आने वाला है। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये चीजें दोनों ही बहुत ईजी हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स का थ्योरी है, काफी ज्यादा थ्योरी है लेकिन इजी है। डेटाबेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी, ये भी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन 20 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। सो सबसे पहले अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं तो आपके पास रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। ये आपके पहले दो चैप्टर्स होते हैं किसी भी बुक के, चाहे वो NCERT हो। तो हम अपने कोर्स में NCERT की पूरी बैक एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे तो CS में इतना फर्क पड़ता नहीं है NCERT की बैक एक्सरसाइज से, बट स्टिल सिंस NCERT है तो वी विल बी कवरिंग इट ऑल। ठीक है,
So revision of Python topics covered in class 11, this we will be doing. So first two chapters, chahe wo Sumita Arora ho ya koi bhi book ho, Preeti Arora ho. Book agar school wale force karte hain to lena, meri taraf se koi book lene ki zarurat nahi hai, theek hai? So aapko revision 201 and revision 202, do chapters padhne padte hain 11th wale. Then we start with our third chapter. Third chapter jo hai hamara wo hai functions, jisme hum types of functions padhenge. So we will be studying built-in functions, we will be studying functions defined in module, user-defined functions. So ye chapter hum aaj shuru karne wale hain. ये पूरा चैप्टर जो आप देख रहे हो यहाँ तक ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप तक, इसमें से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर आते हैं. लाइक 3 नंबर का प्रोग्राम लिखने के लिए आता ही आता है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आउटपुट के लिए आते ही आते हैं. तो 7 तो ये हो ही गए, 7 तो फॉर श्योर है ही. इसके अलावा 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन और भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है. सो दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस, ठीक है. अब इसके बाद जो टॉपिक लिखा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सिलेबस में नहीं था लास्ट ईयर तक, बट अभी एडेड है क्योंकि ये सीयूईटी एग्जाम में भी आता है. नाउ दिस इज बेसिकली अ वे टू डील विद रन टाइम एरर्स. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर आता है तो प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है. वी डोंट वॉन्ट इट टू बी टर्मिनेटेड, सो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होता है. इस पर आई थिंक 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा नहीं. Then comes introduction to files, type of files, text file, binary files, CSV files. ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो आप ये लगा लो कि 40 मार्क्स में से आपको अराउंड 15 to 18 मार्क्स इसी चैप्टर में से आता है, ठीक है. तो 15 नंबर तो कम से कम आएगा ही आएगा. सो 15 मार्क्स तो मिनिमम है कि इसमें से आएगा. और इसमें फाइल भी 3 तरह की है, वी हैव टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, ठीक है. जो 11th वाला सिलेबस है 6 से 7 नंबर तो इसी में से आ जाता है 11th वाले सिलेबस में से. उसके बाद आपके पास है डेटा स्ट्रक्चर, इस पे हमारे पास 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है जो आता है. प्रोग्राम लिखना होता है स्टैक को यूज करके एंड दैट क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स. तो ये फिक्स्ड है, इसमें से पढ़ना ही एक तरह की चीज है, उसमें से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आना है. इट्स बीन 18 ईयर्स, 18 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ सीबीएसई में और बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, आते आ रहे हैं कितने सालों से, ठीक है. सो यू विल बी द नेक्स्ट वन. सो वेलकम टू द AL कोडर्स फैमिली, राइट. सो ये पूरा पाइथन हम करेंगे, ये 40 मार्क्स का होगा. सो आज हम शुरू करेंगे वर्किंग विद फंक्शन से. ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की थ्योरी है जिसमें आप पढ़ोगे कि नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है, ठीक है. सो ऑल दैट कम्स ओवर हियर. सो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है हमारे पास, दैट इज योर SQL. IP वालों को 11th में ही शुरू हो जाता है पर CS वालों को 12th में आके करना होता है, बट स्टिल नॉट दैट टफ, वेरी इजी. एंड लास्ट में जाकर हम पाइथन और SQL को आपस में कनेक्ट करेंगे कि पाइथन में कोड लिखो और SQL में जाके डेटा इंसर्ट हो जाए. और इसी चीज की हेल्प से आपके प्रोजेक्ट्स बनेंगे. तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर बना पाओगे. प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे को एक शॉप के लिए बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, या एक स्कूल के लिए मुझे अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है, या उसके रिपोर्ट कार्ड जनरेशन का सॉफ्टवेयर बनाना है. सो व्हेन आई हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है. सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बताया हुआ है कि आपका लैब टेस्ट होगा जिसमें एक पाइथन प्रोग्राम आपको दिया जाएगा जो कि यूजुअली फाइल हैंडलिंग का होता है. तो इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, या वो कनेक्टिविटी का भी हो सकता है. SQL क्वेरीज दी जाएंगी 4 नंबर की, ठीक है. ये पिछली बार क्वेश्चन अलग तरह का था 4 नंबर का, अब ये उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया. बट एनी हाउ SQL इज फॉर 4 मार्क्स, दिस इज फॉर 8 मार्क्स. देन आपको एक रिपोर्ट फाइल सबमिट करनी है तान्या, जो आपसे अभी मांगी जा रही है, वो 7 मार्क्स की होती है. मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स उसमें लगाने होते हैं, ज्यादा आप लगा सकते हो, मिनिमम 15 बोला है. SQL क्वेरीज मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 or 2 टेबल्स. Then minimum 4 programs based on Python SQL connectivity. So Python और SQL की connectivity के कम से कम 4 programs आपको यहाँ पे बनाने होंगे. Then we have project using concepts learned in class 11th and 12th. 8 number आपके project के हैं. 3 number का इन्होंने Viva लिखा है, but अंदर की बात और सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा जो चीज matter करती है वो Viva matter करता है. आपका confidence, किस तरह से आप external examiner के सामने जवाब देते हो, आपकी नॉलेज क्या शो कर पाते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट. देन सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दी हुई है, ये प्रोग्राम्स तो फाइल में लगाने ही चाहिए.
इसके अलावा हम और प्रोग्राम्स जितने मर्जी चाहें लगा सकते हैं. सो डेटाबेस मैनेजमेंट की भी ऐसे सजेस्टेड लिस्ट दी हुई है और ये आपका प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट समथिंग दैट इज टेंजिबल एंड यूजफुल यूजिंग पाइथन फाइल हैंडलिंग पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी. तो सीबीएसई की तरफ से तो चॉइस होती है कि चाहे आप प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल हैंडलिंग से बना लो या आप पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी से बना लो, बट स्कूल्स जो है वो फोर्स करते हैं आपको कि आप कनेक्टिविटी से बनाओ. ठीक है, सो हम किसी से भी बना सकते हैं. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जीएसटी टैक्स रेट से. सो यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि आप या तो फाइल हैंडलिंग से बना सकते हो या कनेक्टिविटी से बना सकते हो, लेकिन आप जनरली कनेक्टिविटी से ही बनाते हो. ठीक है, जीएसटी टैक्स रेट्स कैलकुलेट करने का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम इस तरह से बना सकते हैं. इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है सम एडिशनल लर्निंग इज रिक्वायर्ड, दिस शुड बी एनकरेज्ड. तो अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालते हो, जैसे कि मैथ प्लॉट लेबे एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में जिससे हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, सीएस के सिलेबस में नहीं है पर आप यूज कर सकते हो. एक टिकिंटर लाइब्रेरी होती है जिससे हम ग्राफिकल इंटरफेस बना सकते हैं. ठीक है, टर्टल होता है जिससे ड्रॉइंग बना सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, साउंड्स डाल सकते हो. दैट्स नॉट इन द सिलेबस, लेकिन आप वो सब ऐड कर सकते हो टू शो योर नॉलेज ऑफ पाइथन इन योर प्रोजेक्ट. इट इज रिकमेंडेड बाय सीबीएसई. ठीक है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज होती है, सच्चाई तो यही है. ठीक है, यहाँ कहते हैं प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, बट सब लोग इधर उधर से प्रोजेक्ट ले दे देते हैं, लेकिन एएल कोडर्स ऐसा नहीं करते. एएल कोडर्स अपना बनाते हैं प्रोजेक्ट्स खुद से और उसके बाद सबमिट करते हैं, रादर अपने क्लास में अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प कर देते हैं, है ना. सो दैट्स हाउ एएल कोडर्स आर. सो यू विल बी मेकिंग द प्रोजेक्ट हेयर, आई विल बी हेल्पिंग यू टू मेक दैट प्रोजेक्ट हेयर. और जो खुद बना के मजा आता है और जितनी इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होती है उसमें, वो आपको अदरवाइज नहीं हो सकती. ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से क्या क्या करना है. तो ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन अभी से करेंगे. अपनी कोशिश रहेगी कि समर वेकेशन में जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है, ताकि आप अपने पीसीएम पे और बाकी चीजों की एंट्रेंस की तैयारी पे टाइम दे सको. सो हमें लास्ट में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि हमें सीएस पढ़ना है. तब आपको लगेगा कि हाँ सीएस तो हो गया है, अब मैं रोज आधा घंटा या एक दिन छोड़ के आधा घंटा भी रिवाइज कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा. आई कैन फोकस ऑन जेई, आई कैन फोकस ऑन नीट, आई कैन फोकस ऑन पीसीएम, और अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के हो तो उन सब्जेक्ट पे. बट मैक्सिमम सीएस जो है वो पीसीएम के पास होता है. तो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट है बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं. तान्या, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव तान्या? So please introduce yourself, everyone. Tanya has PCM. Chahat also has PCM. Rajkumar, Swaraj. Swaraj, आपके पास कौन से subjects हैं? और Rajkumar, आपके पास कौन से subjects हैं? Rajkumar के पास भी PCM है. स्वराज के पास भी, मतलब ठीक है, अभी आप चार लोग हो. वैभवी की 12th हो गई है. ठीक है, सो अभी आप चार लोग हो और चारों के पास पीसीएम है, सब मैथ्स वाले. जगो मैथ्स जो है ना, वैसे मैथ्स इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी फॉर गुड प्रोग्रामिंग, लेकिन जिसके पास मैथ्स होता है ना, उसको हमेशा एक एड ऑन एडवांटेज रहती है कोडिंग में. उसके लॉजिक्स जो है वो पहले से ही स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का हमारे पास कैपेसिटी होती है ना, सिंस वी हैव मैथ्स, तो वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है और आप प्रोग्रामिंग थोड़ा बेटर कर पाते हो इफ यू आर गुड इन मैथ्स. तो वो एक एडवांटेज हो जाता है. आगे अगर आप जाना चाहते हो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में, तो उसमें तो मैथ्स चाहिए ही होता है. सो वहां पे चाहिए दो चीजें, एक पाइथन और एक मैथ्स. तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है और पाइथन अच्छी है, तो यू कैन गो इन टू मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस. ठीक है, तो चलिए अब हम फंक्शंस का टॉपिक शुरू करें. कुछ और बताना तो नहीं रह गया. फी बता दिया, क्लासेस कब कब होंगी वो भी बता दिया, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी. ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे. एंड व्हाट एल्स? या आई थिंक सॉर्टेड. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी ने कुछ पूछना है क्या? फंक्शंस वाला टॉपिक शुरू करूं? आगे बढ़ती. ओके, चलती. So, देखो पाइथन को यूज करने के लिए आप पाइथन आईडीएलई में भी काम कर सकते हो, आप पाइचाम में भी काम कर सकते हो. टोटली अप टू यू, व्हिचएवर सूट्स यू. सो पहला टॉपिक जो है, मतलब चैप्टर 3 जो आपको मिलेगा, दैट इज
वर्किंग विद फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज समथिंग विच परफॉर्म्स अ टास्क। सो हम इसको अगर डिफाइन करते हैं फंक्शन को, सो वी से इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट अ टास्क। सो इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट अ टास्क और अ वेल डिफाइंड टास्क। ठीक है, अब फंक्शंस आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब पाइथन के यूजर तो हम हैं, हम मतलब हम प्रोग्रामर्स है ना, सो वी आर द प्रोग्रामर्स, वी आर द यूजर्स। सो बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर। अब बिल्ट इन के अंदर भी दो और कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हो जाते हैं स्टैंडर्ड और एक हो जाते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे जिसे कहते हैं डेफ, जिसकी हेल्प से आप फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है। अब अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो 11th के सिलेबस में लाइब्रेरी फंक्शंस नाम का एक चैप्टर था, मॉड्यूल्स नाम का। स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं बिना कुछ इम्पोर्ट किए। ठीक है, आई होप इम्पोर्ट वर्ड सबने सुना होगा। अगर मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, सो हाउ विल आई डू इट? ये मैंने पाइथन ओपन किया। अब देख लो, ये आप बना पाओगे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स थोड़े दिन बाद, बट अभी हम पहले छोटे वाले से शुरू करते हैं। सो आई स्टार्ट अ प्रोग्राम वेयर व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू इनपुट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपने यहाँ पे लिखा एल इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लेंथ। आई एम अज्यूमिंग कि इंटीजर में हो सकता है तो मैंने इंटीजर ले लिया, अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आप फ्लोट भी लिख सकते हो। सो एंटर ब्रेथ। नाउ आई फाइंड द एरिया विच इज एल इंटू बी, I find the perimeter which is 2 into L plus B and फिर हम इसको प्रिंट करा देते हैं। Area is L and then perimeter is P, right? And you save it. सेव कर दिया इसका नाम मैंने किस नाम से? रेक्ट नाम से। अब मैं इसको रन करती हूँ, इसको रन किया, लेंथ एंटर करी मैंने, आई रन इट वंस अगेन, सो आई रन इट, गलत लिखा है मैंने, अच्छा सॉरी, एरिया इज ए, तो इसको दोबारा से सेव करके रन कर देते हैं। So, I enter the length here, I entered the breadth. So, I got the area and I got the perimeter. Thank you, Vaibhavi. ठीक है, तो मैंने L लिखा था, उससे क्या होता वो लेंथ ही शो कर देता वापस, तो एरिया इज 12 लिखा हुआ आ जाता, एरर तो नहीं आता क्योंकि L वेरिएबल है। अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज करते हो जो है ही नहीं, देन इट गिव्स यू अ रन टाइम एरर कॉल्ड नेम एरर। तो अगर मैं कोई ऐसा नाम यूज करती हूँ जो है ही नहीं तो नेम एरर आता है, बट फिलहाल हमने उसको ठीक कर लिया तो अब हमारे पास प्रॉपर एरिया आ रहा है, प्रॉपर पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, पर ये प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या है? ये प्रोग्राम बनाने का मकसद आपको एरिया पैरामीटर दिखाना नहीं था, है ना, ऑब्वियस ही बात है। सो यहाँ पे मकसद ये दिखाना था कि इसके अंदर आप ये जो इनपुट और प्रिंट यूज कर रहे हो, है ना, ये जो आपने इनपुट यहाँ पे यूज किया है, ये जो प्रिंट यहाँ यूज किया है, ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। इनपुट को हम कॉल करते हैं
ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें, प्रिंट को हम कॉल करते हैं ताकि हम कुछ प्रिंट करा सकें, ठीक है। सो दीज आर योर बिल्ट इन फंक्शंस, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी है, स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शंस। नाउ व्हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है ना। अगर आप यहाँ पर लिखते इम्पोर्ट मैथ और फिर आप math.sqrt को यूज करते, सो ये क्या हो जाता, लाइब्रेरी फंक्शन। सो ये आपका मॉड्यूल है, या आप इसको लाइब्रेरी कह सकते हो, जिसको हम इम्पोर्ट की हेल्प से अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, और ये जो है फंक्शन sqrt, ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन हो जाता, ठीक है। सो या तो हम फंक्शन को खुद से क्रिएट करें, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, लेकिन जो बने हुए फंक्शंस हैं वो इस दो कैटेगरीज में आते हैं कि एक तो बिना कुछ इंपोर्ट के डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और दूसरी कैटेगरी होती है जहां पर आपको इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस मॉड्यूल, उस लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, और फिर उसके अंदर डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में आपके सिलेबस में मेन तौर पे देखा जाए, मतलब बोल सकते थे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, तो दो ही लाइब्रेरीज हैं जो पूछी जाती है, वो है मैथ और रैंडम, ठीक है। सो मैथ और रैंडम जो है वो किस तरह से पूछा जाता है, उसमें आपको कोड लिखा होता है और आपको आउटपुट निकालने के लिए कहते हैं। सो कोड इज गिवन एंड दे आस्क यू कि इसका आउटपुट बताओ, ठीक है। अब होते कौन कौन से फंक्शन है, एनीवन रिमेंबर, चाहत को छोड़ के कोई बता सकता है कि मैथ अगर मैं इम्पोर्ट करती हूँ तो उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, और अगर मैं रैंडम इम्पोर्ट करती हूँ तो उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं? एनीवन आउट ऑफ यू? स्वराज, तान्या, एनीवन? सो मैथ में एसक्यूआरटी टू फाइंड स्क्वायर रूट, पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो आपको मैथ भी स्मॉल लिखना है। मैथ्स हैज ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू मैथमेटिक कैलकुलेशंस, POW, सील, फ्लोर, वेरी गुड, यस। सो एसक्यूआरटी इज देयर, POW टू फाइंड द पावर, सील इज टू फाइंड द नियरेस्ट हायर इंटीजर, फ्लोर इज टू फाइंड द नियरेस्ट लोअर इंटीजर, ठीक है। मॉड भी होता है, देन यू हैव साइन, कॉस, टैन, लॉग, फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये बहुत सारे फंक्शंस आपके पास हैं, इसमें से कोई सा भी आपको यूज करना हो तो आपको इम्पोर्ट मैथ करना पड़ता है और आप उसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, अगर कभी पूछ भी लेते हैं तो जैसे स्क्वायर रूट पे आ सकता है कि हाँ 10 का इसका 10 होता है। पावर इज यूज टू फाइंड 2 raised to the power 5, सील ऑफ 7.8 विल बी 8, फ्लोर ऑफ 7.8 विल बी 7। सो फ्लोर क्या करता है, आपको लोअर इंटीजर देता है, सील आपको बड़ा वाला इंटीजर, मतलब अगर 7.8 है तो वो 7 और 8 दो नंबर्स के बीच में लाई कर सकता है। फ्लोर इज नीचे वाला नंबर, 8 इज ऊपर वाला नंबर। तो इस पे क्वेश्चन आए वो थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। सो वी हैव रैंडम के अंदर तीन मेन फंक्शंस जो आपके सिलेबस में है, रैंड इंट, रैंड रेंज और रैंडम, ठीक है। ये तीनों फंक्शंस हैं जो कि इम्पोर्ट रैंडम के बाद आप यूज कर सकते हो। अब इनका पर्पस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले आपको एक चीज दिखाती हूँ। अभी हम सिलेबस देख रहे थे, है ना। अगर आप सिलेबस में जो सजेस्टेड प्रोग्राम्स की लिस्ट थी उसमें ये वाला प्रोग्राम देखो, राइट अ रैंडम नंबर जनरेटर दैट जनरेट्स रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 6 विच सिम्युलेट्स अ डाइस, है ना। तो वो कह रहा है कि एक फंक्शन बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ जो कि आपको 1 से 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। फिर आपको एक रैंडम नंबर चाहिए जो कि 1 से 6 के बीच में हो। तो जब हमें इंटीजर्स में चाहिए तो बेस्ट फंक्शन टू यूज इज रैंड इंट। मैं लिख सकती हूँ n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1, 6 एंड आई प्रिंट द नंबर। अब आप इस प्रोग्राम को जितनी बार कॉल करोगे, ठीक है, इंट में स्टेप नहीं आता, रेंज में आता है, ठीक है। अभी 1 आया,
मैंने फिर से रन किया, 3 आ गया, मैंने फिर से रन किया, 6 आ गया. सो रैंड इंट जो फंक्शन है ना, वो क्या करता है, इट गिव्स यू एनी रैंडम नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप. ठीक है, सो ये तीन फंक्शंस में से जो पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है रैंड इंट. इसमें हम दो ही वैल्यूज देते हैं, एक स्टार्ट एक स्टॉप, दोनों कंपल्सरी है, आप कोई छोड़ नहीं सकते, आपको दो ही पैरामीटर पास करने हैं रैंड इंट में. सो जब मैं ये दो पैरामीटर्स पास करूंगी, वो इन दोनों के बीच में से कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, स्टार्ट भी आ सकता है, स्टॉप भी आ सकता है, बीच में से कुछ भी आ सकता है. सो इट गिव्स और इट जनरेट्स एनी रैंडम नंबर इन द गिवन रेंज. बोथ साइड्स आर इंक्लूसिव. मतलब अगर आपने रैंड इंट 1.6 लिखा है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है. अगर आपने रैंड इंट 3.8 लिखा है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कुछ भी आ सकता है. सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे उसे 2 भी नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज 1. सो दैट इज द पर्पस ऑफ रैंड इंट. और इंट से पता चल रहा है कि वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में आएगी नहीं, वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमारे पास इसमें इंटेजर ही आएगी. इज दिस क्लियर? ताना इसमें 6 आता है ना बेटा, रैंड रेंज में नहीं आता. रैंड इंट दोनों साइड को इंक्लूड करता है, ये आपकी स्टार्टिंग नंबर को भी इंक्लूड करेगा, आपके एंडिंग नंबर को भी इंक्लूड करेगा. हाँ बोलो. रैंड रेंज में इंक्लूड नहीं होती, रैंड इंट में इंक्लूड होती है. ठीक है, अभी मैंने आपको रन करके दिखाया था, वहां पे 6 आया था ना. सो रैंड इंट जो है दैट इंक्लूड्स बोथ द साइड्स, पहला नंबर भी आ सकता है, आखिरी भी आ सकता है, बीच में कुछ भी है वो भी आ सकता है. ठीक है, बट वी हैव अनदर फंक्शन जिसका नाम है रैंड रेंज. ये जो है ये अपर लिमिट नहीं देता. अगर मैं इसमें 1.6 लिखूंगी तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 में से ही कोई नंबर आ सकता है, 6 नहीं आएगा. सो हेयर अपर लिमिट इज एक्सक्लूसिव. तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैंड इंट में इंक्लूडेड होता है, रैंड रेंज में एक्सक्लूडेड होता है, तो ये नहीं आएगा. ठीक है, आप रैंड रेंज को एक सिंगल नंबर के साथ भी कॉल कर सकते हो, आप रैंड रेंज में सिर्फ एक नंबर भी भेज सकते हो. इट इज सेम एज जो हम रेंज लूप के साथ लगाते हैं ना, फॉर लूप के साथ. सो जैसे आप रेंज फॉर लूप के साथ लगाते हो, वैसे ये भी काम करता है. सो रैंड रेंज फॉर का मतलब क्या है कि 0, 1, 2, 3. सो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विल बी 0, 4 तक उसने जाना नहीं है, इसलिए वो 3 पे रुक जाएगा. दोनों नंबर देते हैं तो शुरू यहां से करता है, इससे एक पहले तक रुक जाता है. तीसरी ऑप्शन क्या है कि आप 3 नंबर दो. अगर आप 3 नंबर्स दे रहे हो, जैसे आपने लिखा 2, 10, 3, सो ये क्या है, स्टार्ट, ये है स्टॉप और ये है स्टेप. तो उसके हिसाब से हम 2 से शुरू कर रहे हैं, फिर स्टेप कितना है 3, सो 2+3 विल बी 5, देन 5+3 विल बी 8, 8+3 विल बी 11. क्या लेंगे हम 11 को? नहीं है ना, वो तो रेंज से ही बाहर हो गया. मतलब आपके पास या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है. ठीक है, सो 2, 5 या 8 में से कोई भी नंबर ये आपको जनरेट करके दे सकता है. दैट इज द पर्पस ऑफ रैंड रेंज. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया सबको? रैंड रेंज इज क्लियर? अब आखिरी फंक्शन, वो आपको फ्लोट वैल्यू देता है एंड उसका नाम है रैंडम. सो रैंडम इज यूज टू गिव अ फ्लोट वैल्यू. दिस फ्लोट वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1, जिसमें 1 एक्सक्लूसिव है, 1 कभी नहीं आएगा. सो ये आपको 0 दे सकता है, 0.75 दे सकता है, 0.52 दे सकता है, 0.165 दे सकता है, 0.9932 दे सकता है, लेकिन 1 नहीं देगा. ठीक है,
सो इट विल गिव यू एनी नंबर इन पॉइंट्स, एनी नंबर इन पॉइंट्स, ठीक है, बट नॉट वन. वन जो है वो हमारा यहाँ पर एक्सक्लूडेड होता है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैंने सीधा ही लिख दिया रैंडम डॉट रैंडम 0.84 आ रहा है, इम्पोर्ट रैंडम हमने अपने पहले वाले प्रोग्राम में किया हुआ था तो वो ऊपर एग्जीक्यूट हुआ है इसलिए ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है. मैंने फिर से रैंडम डॉट रैंडम किया, आई गेट समथिंग. सो कीप कॉलिंग, आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी लेकिन वन कभी नहीं आएगा. इट विल ऑलवेज गिव यू सम आंसर इन पॉइंट्स बट इट विल नेवर गिव यू वन, ठीक है. अब दूसरी चीज रैंडम डॉट रैंड रेंज. सो रैंडम डॉट रैंड रेंज अगर आप लिखते हो 1.6 तो आप देखो 3 आ गया. मैंने फिर से कॉल किया, 5 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1, 5, 3, 1, 5, 4, 5, 6 नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना 6, 2 भी आ गया, ठीक है, बट इट इज नॉट शोइंग 6. लेकिन अगर ये रैंड इंट होता सो हम इसको एग्जीक्यूट करते रहे, 6 आ रहा है, राइट तान्या. सो रैंड इंट जो है वो अपर लिमिट को भी इंक्लूड करता है जबकि रैंड रेंज अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है. फाइन, सो ये तो हो गया, ये तीनों फंक्शंस हैं क्या, होते क्या हैं, ठीक है. पर अब देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, उसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं. हम यहाँ से जाते हैं और खोलते हैं न्यू विंडो. न्यू विंडो में CBSE academic.nic.in हमने ओपन कर लिया. यहाँ पर आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है. इस साल के क्वेश्चन पेपर के लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, ठीक. यहाँ से हम गए कंप्यूटर साइंस पे. सो व्हेन यू गो टू दिस कंप्यूटर साइंस थिंग, आप इसके अंदर अगर स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, अब देखो इसमें से देखते जाओ तो ये पहला क्वेश्चन 11th के सिलेबस में से है, थर्ड क्वेश्चन 11th के सिलेबस में से है, स्प्लिट वाला भी 11th के सिलेबस में हम पढ़ते हैं, है ना, ये डिक्शनरी वाला भी 11th के सिलेबस में से है, ये स्लाइसिंग भी 11th के सिलेबस में से है. तो ये वन मार्क वाले तो वैसे ही मैक्सिमम ही 11th में से होते हैं. अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है तो वन मार्क का, कभी कभी ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रैंडम के ऊपर बेस्ड आएगा. सो क्वेश्चन दिख रहा है सबको क्लियरली, ठीक है. सो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं अब हम. अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो यहाँ लिखा है इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है जी, बढ़िया. रैंडम डॉट रैंड इंट 0.3, इसका क्या मतलब है कि आपके पास या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 या फिर 3. तो ये जो माई नंबर है ये 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है. देन आई हैव टेकन अ लिस्ट, जिस लिस्ट के अंदर ये 4 कलर्स है, ठीक है. अब फॉर आई इन कलर, फॉर आई इन कलर का मतलब क्या हुआ, कलर क्या है ये वाली लिस्ट. सो फॉर आई इन कलर मतलब पहले आई में येलो आएगा, अगली बार लूप चलेगा तो आई में वाइट आएगा, अगली बार लूप चलेगा तो आई में ब्लैक आएगा, उससे अगली बार लूप चलेगा तो आई में रेड आएगा. फाइन, अब मान लो आई पहली बार चला उसमें येलो है, फिर वो अंदर आया, अब वो इस लूप पे जाएगा. फॉर जे इन रेंज 1, माई नंबर, अब देखो 1, माई नंबर, माई नंबर 0 हो सकता था, अगर माई नंबर 0 होता तो 1, 0 पे लूप चलता ही नहीं, 1, 1 पे भी लूप नहीं चलता, या तो 2 पे चलेगा या 3 पे चलेगा. अब अगर हम 1, 2 लेते हैं रेंज में तो आप मुझे बताओ लूप कितनी बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क. अगर ये 1, 2 के लिए रन करता है तो लूप कितनी बार चलेगा, एक बार, 1 time, है ना. और अगर 1, 3 के लिए चलता है तो 2 बार चलेगा, मतलब 2 times. तो दैट मीन्स कि अंदर जो भी प्रिंट हो रहा है वो या तो एक बार प्रिंट होगा या फिर 2 बार प्रिंट होगा, है ना. तो अब प्रिंट क्या हो रहा है, आई, आई पहली बार क्या है, येलो. तो या तो मेरे पास आ सकता है येलो स्टार एक बार या फिर येलो स्टार 2 बार, है ना. फिर
अगली लाइन पे आना चाहिए व्हाइट स्टार एक बार या तो दो बार, ब्लैक स्टार एक बार या तो दो बार, रेड स्टार एक बार या तो दो बार. सो ऑर्डर तो पहली बात येलो व्हाइट ब्लैक रेड रहेगा, तो या तो ये चारों एक एक बार प्रिंट हो जाएं या ये चारों दो दो बार प्रिंट हो जाएं. दैट इज द ओनली पॉसिबल आउटपुट आई कैन गेट, है ना. अब हम ऑप्शंस देख लेंगे, पर पहले आपको समझ आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब हम इसकी ऑप्शंस के साथ अपना आंसर मैच करके देखते हैं. सो अब हम देखते हैं कि इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं. सो ए में है रेड व्हाइट ब्लैक रेड, ये तो होगा नहीं, सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं येलो व्हाइट ब्लैक रेड, हाँ ये हो सकता है, दिस इज करेक्ट, यही आउटपुट आया था मेरा, है ना. फिर अगले वाले में दो दो बार हैं सारे, व्हाइट व्हाइट है, येलो येलो है, ब्लैक ब्लैक है, रेड रेड है, लेकिन क्या ऑर्डर सही है? ऑर्डर सही नहीं है ना. पहले येलो येलो होना चाहिए था, फिर व्हाइट व्हाइट होना चाहिए था, क्योंकि लूप तो अपना सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, लूप आगे पीछे थोड़ी हो जाएगा. सो लूप हैज टू वर्क सीक्वेंस वाइज, उसमें पहले येलो आना चाहिए था. सो ये भी नहीं है. अब इसमें तो कहानी अलग हो गई, इसमें तो पहले एक बार येलो है, दो बार व्हाइट, तीन बार ब्लैक, ये भी गलत है. सो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी. सो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और ये आज से नहीं, ये 18 साल से आ रहा है. जब C++ थी तब भी आता था, C++ में भी रैंडम फंक्शन था तब भी ऐसा ही क्वेश्चन आता था, जब से पाइथन है तब से भी आ रहा है. सो इट्स बीन 18 years, वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल आता है, हर साल. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका पक्का है कि इसने आना ही आना है. सो इट कैन कम फॉर 2 marks. इस बार इन्होंने सैम्पल पेपर में इसको 1 mark का दिया है, बट यूजली इससे पहले तक ये 2 marks का आता था. सो आपको आना चाहिए, चाहे 1 mark का है, 2 mark का है. जब 100 लाने होते हैं तो आधा आधा मार्क भी इम्पोर्टेंट होता है ना, तो हम एक भी मार्क कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, हमें पूरे लाने हैं मार्क्स, तो वी कांट थिंक कि हमारा आधा भी नहीं चला जाए. सो इट हैज टू बी लाइक होल थिंग. ठीक है, ओके, सो यहां तक समझ आया? सो अभी मैं आपको क्या करती हूँ, आई विल आस्क सम मोर क्वेश्चंस टू यू, जो हमने अभी पढ़ा है. यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट. तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो फ्राइडे को होगी, ठीक है. सो इस फ्राइडे से शुरू करके वी विल बी हैविंग एवरी फ्राइडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है. सो आज के बाद आई एम गिविंग द टाइम फॉर एनरोलमेंट्स, तो इतने टाइम में आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो. तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो थर्सडे तक, फ्राइडे तक ज्वाइन कर ले. उसके बाद भी ज्वाइनिंग तो होती रहेगी, मतलब अगर जो पहले ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा कि कुछ भी मिस नहीं करेंगे. सो इफ यू ज्वाइन अर्ली यू विल नॉट मिस एनीथिंग. हाँ, वेंसडे को आईपी का ओरिएंटेशन है, और थर्सडे से आईपी की क्लासेस जो है वो प्रॉपर वाली शुरू हो जाएंगी. थर्सडे से शुरू हो जाएंगे. सो थर्सडे से आईपी का शुरू कर देंगे और फ्राइडे से सीएस का शुरू कर देंगे. कल आई हैव टू गो, देर इज सम इवेंट, सम अवार्ड सेरेमनीज देयर. मैं उसके बाद आके आपको अपनी कुछ पिक्स दिखाऊंगी. सो आई हैव टू गो टू नोएडा टुमारो, दैट्स व्हाई हम कल आईपी का नहीं कर रहे, नहीं तो कल आईपी की ओरिएंटेशन होती. सो आई हैव टू गो देयर, इसलिए हम कल आईपी का स्टार्ट नहीं कर रहे. ठीक है, लेट मी ओपन द पीडीएफ फॉर द क्वेश्चंस, देन आई विल वाइंड अप विद दिस. Just give me 2 minutes.
जस्ट वन मिनट, जस्ट मिसप्लेस द फाइल, मैंने फाइल यहीं पे रखी थी पर समहाउ इट गॉट जंबल्ड अप। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। सो चलिए बताइए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पोल। यहाँ पे तो नहीं है बट आई विल ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ पोल्स वेरी सून। पोल है लेकिन लीडर बोर्ड नहीं आएगा। आई कैन गिव पोल ऑप्शन बट वी वोंट गेट द लीडर बोर्ड। बट इसका भी कुछ सॉल्यूशन करते हैं जल्दी, ठीक है? अभी आप चैट में लिख के बताओ आंसर। व्हाट इज मैथ डॉट सील 111.3? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज ऑप्शन नंबर ए। सो 112, ठीक है? सो सील है, हायर इंटीजर आएगा, सो 111.3 जो है वो 111 और 112 के बीच में लाइक करता है, सो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट कांट बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? ये जो कोड यहाँ पे गिवन है, कौन सी वैल्यू इस कोड का आउटपुट नहीं हो सकती है? विच वैल्यू कैन नॉट बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? वेरी गुड। एन वन में मैक्सिमम 6 आ सकता है, एन टू में भी मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो जो सम है वो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 होगा। सो 2 से कम नहीं हो सकता, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये वैल्यू है 14, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो 14 कैन नॉट बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द वैल्यूज विल नेवर गेट प्रिंटेड? इसमें से कौन सी वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होगी आउट ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, हलवा एंड जलेबी? चाहत सेज ए। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? राज सेज डी। व्हाट अबाउट यू तान्या? ए। सो राज आंसर इज ए बेटा। दैट इज बिकॉज कि आपके पास जो लेंथ है वो है 4, है ना? 1, 2, 3, 4। रैंड रेंज 1, 4 का मतलब है कि आपके पास जो रैंडम नंबर है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 4 कभी आएगा नहीं क्योंकि रैंड रेंज है। अब 1, 2, 3 होगा, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। 0 कभी आएगा ही नहीं तो चॉकलेट तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम प्रिंटिंग ए
वन या फिर ए टू या फिर ए थ्री. ए वन पे आइसक्रीम है, ए टू पे हलवा है, ए थ्री पे जलेबी है. सो ए जीरो पे चॉकलेट है जो कि कभी प्रिंट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज जो इंडेक्स है वो कभी जीरो हमारे पास नहीं आएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटपुट ऑफ दिस कोड? इसका आउटपुट क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा? Okay, I'm waiting for others to answer. Tanya says A, Chahat says B. What about the others? Vaibhavi B. Ab dekho, Tanya batao, rand int 10,12 jo hai, ye hame kya dega? What value can we get from this function? Raj also says B. Very good. So, ये आपको क्या दे सकता है? ये आपको 10 दे सकता है, 11 दे सकता है, या फिर 12 दे सकता है ना. सो यहां से ए में या तो 10 आ जाएगा या 11 आ जाएगा या 12 आ जाएगा. अब ये लूप दो बार चलेगा, दो बार चलेगा और दोनों बार ए प्लस आई को प्रिंट कर रहा है. सो आई की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना. तो अगर आई की वैल्यू मेरे पास 0 है तो ए प्लस आई, मान लो ये 10 आया तो 10 प्लस 0, 10 प्रिंट होगा, बीच में कोलन का साइन और फिर 11 कोलन का साइन. यहाँ पे कोलन का साइन वैसे मिसिंग है, ठीक है. सो 10 कोलन 11 कोलन ये आना चाहिए, वो तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए में 11 आया हो. अगर ए में 11 आया होगा तो 11 प्लस 0 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, तो ये आना चाहिए. और अगर 12 आया होता तो 12 13 आना चाहिए था. तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ ये वाली ऑप्शन है. सो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर. समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इसका आंसर क्या होगा? वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कौन सा आउटपुट प्रिंट हो सकता है? विच इज द पॉसिबल आउटपुट? नहीं चाहत, प्राची वाला डायलॉग नहीं बोलना. सी, ओके. Vaibhavi says B. And Raj क्या कह रहा है? इसका आंसर वैसे B है और मैं समझा देती हूँ कि क्यों है B. ठीक है, वेरी गुड राज. तो N में देखो क्या आएगा, तान्या ध्यान से समझो. N में क्या आएगा? रैंड इंट 1 2 3. सो वी गेट 1 2 और 3. तो N में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा. M में या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा. अब देखो लूप चल रहा है एन से लेके एम तक, है ना. चारों ऑप्शंस में कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं? 3. ऑल 4 ऑप्शंस आर प्रिंटिंग 3 नंबर्स, मतलब मेरा लूप 3 बार चलना चाहिए. सो 0 1 2 3 4 5, ये मेरी लिस्ट के इंडेक्स है. अब लूप जो है वो आपका चलना चाहिए 3 बार, ठीक है जी. 3 बार चलना चाहिए तो कैसे चलेगा? पहले तो 10 से जो शुरू हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 0 तो हमारे पास कहीं आ ही नहीं रहा. या तो हम 1 से शुरू कर सकते हैं या 2 से या 3 से. तो 20 30 40 वाले फिर भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं.
अच्छा चलो वन से शुरू करते हैं हम. वन पे क्या है 20, सो हो सकता है कि एम टू आए. सो वन से टू अगर चलेगा तो एक ही बार लूप चल पाएगा, वन से थ्री अगर चलेगा तो दो ही बार लूप चल पाएगा, वन से फोर अगर चलेगा तो तीन बार चल पाएगा. तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वन से फोर तीन बार चल रहा है. तो वन पे है क्या प्रिंट हो रहा है, ए वन. ए वन इज वॉट 20, ठीक है. फिर इंक्रीमेंट होके टू हुआ तो 30, फिर इंक्रीमेंट होके थ्री हुआ, दैट्स इट. अपर लिमिट तक पहुंच गए, रुक जाएंगे. तो ये तो साफ साफ मिल ही गया हमें आंसर, पर हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर भी सही हो. तो हम आगे भी देख लेते हैं कि चलो मान लो अब एन वन ना होता, एन टू होता. एन टू होता तो शुरू कहाँ से करते, 30 से. तो ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन टू से टू में तो लूप चलेगा ही नहीं, टू से थ्री में एक बार चलेगा और टू से फोर में दो बार चलेगा. तो तीन बार चलने का तो चांस ही नहीं है यहाँ पे. सिंस वो तीन बार चल ही नहीं सकता तो आपका आउटपुट सी आ ही नहीं सकता, है ना. सिमिलर वे डी में भी तीन बार चलने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कि अगर ये थ्री आएगा तो ये थ्री से फोर एक ही बार चल पाएगा मैक्सिमम. सो वी कैन नॉट गेट इट. एनी हाउ हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आ सकता. सो 20, 30, 40 इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में हमें मिल सकती है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? राज, तान्या, चाहत, वैभवी, कोई डाउट्स? चलो सो बढ़िया है, ये तो आपने कर लिया. अब इसी को गो थ्रू करना और फ्राइडे को हम शुरू करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस. मतलब हम शुरू करेंगे कि खुद से फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं. हाँ, पुरानी यादें ताजा हो गई. चलो बढ़िया है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. हाँ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, है ना, बिना बोले. अब ताजा हुई यादें. बढ़िया है, बढ़िया. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर. And do share with your friends that Friday से regular classes होंगी. And इस वाली वीडियो को मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. And you can tell them to join. So that is it for this video. I'll see you in the next one. So अगली क्लास में मिलते हैं. Bye for now.